इस वीडियो में हम लोग लुई बोगन का लिखा हुआ पोएम विमेन का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका जो हिडन थीम है या क्रिटिकल एप्रिशिएशन उसको भी समझते हुए चलेंगे। ओके, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग फ्री में ज्वाइन कर ले सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनली इस पोएम में बताया गया है वुमेन का डिफरेंट काइंड ऑफ रोल एंड हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अ वुमेन टू परफॉर्म, है ना। वुमेन का यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन नहीं, इंटरनल डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। और एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन इन द सेंस में शारीरिक खूबियों का बात नहीं कर रहा, सामाजिक खूबियों का बात कर रहा हूँ कि एक समाज एक नारी को किस लिहाज से देखता है और किस लिहाज से एक नारी समाज का आईने में खुद को देखती है। प्लस इंटरनल डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका अपना अंदर का जो सबकॉन्शियस है, उसका अपना अंदर का जो डिजायर्स है, मेंटालिटी है, उसका साथ बाहरी जो उसका प्रतिच्छवि है, बाहर जो उसका सोसाइटल इमेज है, उसका कैसे क्लैश लगा हुआ रहता है। और अपना बस सोसाइटल इमेज और एक्सपेक्टेशन मतलब फुलफिल करने के चक्कर में कितनी लड़कियां, कितनी लेडी अपना जो खुद का एक्चुअल ट्रू सेल्फ होता है वो खो देती है, सेक्रीफाइस कर देती है विदाउट इवन ए सिंगल कंप्लेन। आइए अब समझते हैं। वुमेन हैव नो विल्डनेस इन देम, दे आर प्रोविडेंट इंस्टेड कंटेंट इन द टाइट हॉट सेल ऑफ द हर्ड्स टू ईट डस्टी ब्रेड। यानी लड़कियां जो है ना, महिलाएं जो हैं, उनमें कोई भी विल्डरनेस नहीं होता। विल्डरनेस का यहाँ पे दो कॉनोटेशन है। पहला अर्थ है कि फांका जगह, ओके, बैरन लैंड, ओके, विच इज ऑफ नो यूज। तो वेमेन का अंदर ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं, उनके खूबियों में, उनके चारित्रिक विशेषताओं में ऐसा एक भी पॉइंट है ही नहीं जो कि अनयूजेबल हो, अनयूटिलाइज हो। यानी कि वुमेन अपना हर खूबी, हर तरीका, हर भावना विचारों के साथ ही हम लोगों का कोई ना कोई उपकार में आती है, कोई ना कोई तरीके से वो लोग हम लोगों को, सोसाइटी वाले को कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करते हुए, सर्विस देते हुए जा रही है। उनके अंदर बैरननेस कह के कुछ नहीं है, दे आर टोटली फर्टाइल, फर्टाइल इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है। हर तरीके से वो लोग उपजाऊ है, हर तरीके से वो लोग हम लोगों को खुशियां प्रोडक्शन करके देती हैं। दे आर प्रोविडेंट इंस्टेंट, रादर वो लोग क्या है, वो हर चीज सप्लाई करती है। प्रोविडेंस का मतलब होता है कि आपका सस्टेनेंस, आप जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ चीज चाहिए उसका सप्लाई देते रहना। तो वुमेन आर द सोर्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ, है ना। वो लोग लाइफ क्रिएट भी करती है और लाइफ सस्टेन भी करती है। तो वो लोग के अंदर कोई विल्डरनेस नहीं है, वो लोग रादर देन क्या है, प्रोविडेंट है। उनके दिल का जो टाइट हॉट सेल है, हॉट इन द सेंस यहाँ पे ये काफी सारा इमोशंस उसमें क्लैश करता रहता है, काफी सारा डिजायर उसमें क्लैश करता रहता है, लेकिन टाइट क्यों, टाइट इस वजह से कि वो लोग अपने हर्ट को लूज ओपन नहीं कर सकती, वो लोग अपने दिली मुरादों को खुला नहीं छोड़ सकती। अगर वो लोग खुला छोड़ दे और अपने दिली ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाए तो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगा, उनका सोसाइटल रोल, सोसाइटल एक्सपेक्टेंसी अनसेटिस्फाइड रह जाएगा। इसीलिए वो खुद टाइट करके बांध लेती है, एक बाउंड्री सेट कर लेती है कि मेरा दिल कितना भी बोले मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, यहीं दायरे में रह के मुझे जो भी करना है करना है। टू ईट डस्टी ब्रेड, और वो लोग बस एक डस्टी ब्रेड खा के ही खुश हो जाते हैं, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मतलब वो दूसरों के लिए तो प्रोविडेंट है, दूसरों के लिए वो हर वो चीज पॉसिबल, यहां तक कि वो उनके लिए जो इम्पॉसिबल होता है वो भी करने का कोशिश करते, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वो पति के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, इवन पूरा दुनिया के लिए हो, जो भी वो उनका साथ जैसे बढ़ करके वो लोग करते हैं। लेकिन जब वो लोग को खुद का बात आता है तब मिनिमम से भी मिनिमम चीज जिसमें गुजारा कोई आम आदमी नहीं कर सकता उसमें वो लोग गुजारा करती है, वो भी विदाउट अ सिंगल कंप्लेंट, बिना कोई कंप्लेंट किए, बिना कोई अभियोग किए, खुशी खुशी वो लोग अपना सस्टेनेंस मिनिमम में चला लेती है। देन नेक्स्ट स्टैंजा, दे डू नॉट सी कैटल क्रॉपिंग रेड विंटर ग्रास, दे डू नॉट हियर स्नो वाटर गोइंग डाउन अंडर कल्वर्ट्स शैलो एंड क्लियर। यहाँ पे वुमेन के साथ नेचुरल वर्ल्ड का एक डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा। क्यों डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा, क्योंकि वुमेन के पास उतना समय ही नहीं बचता, वुमेन के पास उतना फ्रीडम ही नहीं बचता कि वो जाकर के देखे कि कैसे जो कैटल्स है यानी जो गवादी पशुएं हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो विंटर में जो घास उगा हुआ रहता है उसको खा रहे हैं, चबा चबा के उसको खा रहे हैं। ये नेचुरल ब्यूटी देखने का उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास स्नो वाटर कैसे झरना
के थ्रू पानी बह करके नीचे कलवर्ट के थ्रू जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, वो ज़्यादा डीप नहीं है लेकिन काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। ये खूबसूरती देखने का, सुनने का, महसूस करने का समय उन लोगों के पास नहीं है, इतना टाइम देने का खुद का पीछे, खुद का एंजॉयमेंट का पीछे या खुद का रिलैक्सेशन का पीछे भी, नेचर से खुद को थोड़ा कनेक्ट करने का पीछे जो इतना थोड़ा सा वक्त भी, थोड़ा सा इजाज़त भी वो लोग को नहीं है। दे आर सो टाइटली पैक्ड इन देयर हाउस होल्ड चोर्स या देयर डोमेस्टिक रोल्स। ठीक है, यहाँ पे नेचर का आप एक और मतलब भी निकाल सकते हैं कि एक्सटर्नल नेचर से वो लोग डिस्टेंट है, सिर्फ ये नहीं वो लोग अपने इंटरनल नेचर से भी डिस्टेंट होते जा रहे हैं। अपना वो लोग को खुद का जो स्वभाव है, प्रकृति है, आप प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज कंपैरिजन करके देख ले सकते हैं। एक शादी से पहले एक लड़की का जितना ख्वाहिशा होता, हालांकि शादी से पहले भी वो कंप्लीट फ्री नहीं होते लेकिन फिर भी पार्शियली ही मान लीजिए जितना भी फ्रीडम होता है उसका अपना घर में, जैसे ही शादी हो जाता है वो एक हाउस होल्ड का पार्ट हो जाती है, होम मेकर बन जाती है, तो उसका वो फ्रीडम भी चला जाता है। वो अपना मन से फिर कुछ नहीं कर सकती, उसको सबका एक्सपेक्टेशन जुगा के, मन जुगा के चलना पड़ता है। तो अपना इंटरनल नेचर से भी दूर हो जा रही और एक्सटर्नल नेचर से भी दूर हो जा रही, तो कोई सोर्स नहीं रह रहा उसके पास इंस्पिरेशन का, रिलीफ का। ठीक है, अब थर्ड स्टैंजा, दे वेट व्हेन दे शुड टर्न टू जर्नीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैंजा है कि वुमेन क्या क्या गलत करती हैं जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए बट फिर भी वो करती है। दे वेट, वो अपेक्षा करती है, इंतज़ार करती है, जबकि उन लोगों को क्या करना चाहिए, इंतज़ार छोड़ करके अपना राह में, अपना मंजिल में, अपना जर्नी में निकल जाना चाहिए। दे स्टिफन व्हेन दे शुड बेंड, वो और भी सख्त हो जाती है जब उनको नरम होके मोड़ना चाहिए खुद को, जब उन लोगों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए तब वो लोग अननेसेसरली हार्ड हो जाती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है। दे यूज अगेंस्ट देमसेल्व्स दैट बेनिवोलेंस टू विच नो मैन इज फ्रेंड, वो लोग अपने ही अगेंस्ट में यूज कर लेती है अपना बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस इन द सेंस काइंडनेस, परोपकारिता या दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है, जो स्नेह भाव है, जिससे वो लोग, जो ममता उनका अंदर जागता है, जिससे वो बाकी के लिए अच्छा करती है, अच्छा सोचती है, लेकिन वही सोच वही कार्य उनका अपने खिलाफ एक्ट कर जाता है कि दूसरे के लिए सोचते 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 अपने लिए कुछ करना ही नहीं होता, तो अपना प्रति वो लोग रूड हो जाती है, अपना प्रति वो लोग क्रूएल हो जाती है, अपना प्रति वो लोग बेनिवोलेंट नहीं हो पाती है। और मजा का बात तो ये है और इसका साथ अफसोस का बात भी ये है कि इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके लिए वुमेन दिन भर इतना खट रही है, जिसका मुंह में दो मतलब स्माइल देखने के लिए, जिसको आनंद से भरपूर करने के लिए, जिसका ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वो अपना सारा चीज़ त्याग कर दे रही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दर्द आराम करने के लिए, उसको दो मीठा बोली बोलने के लिए कोई भी इंसान नहीं है। ओके, और वो जो पहला दो लाइन था कि जब उन लोगों को वेट करना चाहिए, मतलब जर्नी में निकल जाना चाहिए तब वो लोग वेट करते हैं, और जब वो लोग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए तब वो लोग खुद को और स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये भी आपका फैमिली और सोशल ड्यूटीज़ में ही आ जा रहा कि अपने लिए टाइम निकालना जब उनको चाहिए, उनका अपना भी तो उम्र है, अपना भी तो जवानी है, अपना भी खुद ख्वाहिशात है, वो भी तो इंसान है। यही चीज़ वो लोग भूल जाते हैं कि वो लोग भी एक इंसान है, वो लोग के अंदर भी एक मन है, वो लोग के अंदर भी एक दिल है, वो लोग भी जीना चाहते हैं, लेकिन दैट्स इट, ये गलती वो लोग करते, ये गलती नहीं करना चाहिए, बट दैट इज़ व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स। Next, they cannot think of so many crops to a field or of clean wood cleft by an axe. Their love is an eager meaninglessness, two lengths or two lakhs. इसका मतलब है कि एक फील्ड में, एक खेत में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हो, यानी बहुत ज़्यादा फसलें हो, ये वो ठीक इमेजिन नहीं कर पाती है, या फिर एक जो जंगल है उसको क्लियरली मतलब साफ कर दिया गया हो एक एक्स का मदद से, ठीक है, ये भी वो सही से क्या कर नहीं पाती, थिंक नहीं कर पाती, ये भी वो ठीक से समझ नहीं पाती। इसका मतलब क्या है, एक तरफ आपका एबंडेंस है, ज़रूरत से ज़्यादा, एक तरफ कंप्लीट एम्प्टीनेस है, ठीक है, पूरा साफ, तो ना तो वो बहुत ज़्यादा एबंडेंस के बारे सोच पाती हैं, ना तो वो एकदम खालीपन का बारे सोच पाती है, ठीक है। अब यहाँ एबंडेंस और खालीपन मतलब आप उनका अपने अंदरूनी दिल का ख्वाहिशात से जोड़ सकते हैं कि वो अपने दिल का ख्वाहिशात को पूरा करे, वो अपने लिए अबंडेंट हैप्पीनेस सर्च करे या फाइंड करे, ये वो लोग का दिमाग में आता नहीं है, ये वो लोग सोचती ही नहीं है, और कंप्लीट एम्प्टीनेस हो जाए ये भी उन लोगों को मंजूर नहीं है, ये भी वो लोग को दिल को दुख देता है, तो वो लोग मिडिल में लटकी हुई रहती है, ना लोग अपना डिज़ायर को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर पाती हैं और ना उसको फुलफिल कर पाती हैं। उनका प्यार भी इसीलिए कुछ ऐसा ही है, लव इज़ एन ईगर मीनिंगलेसनेस, उनका लव ईगर तो है, उनका लव में जेन्युइनिटी तो है, लेकिन क्या है, वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है,
क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर बैलेंस नहीं है, उसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि या तो वो जिससे प्यार करती है, जो म्यूचुअल लव रिलेशनशिप होता है या कोई भी आप रिलेशनशिप मान लीजिए, उसमें या तो वो बहुत ज़्यादा अपने तरफ से ज़्यादा भाव देती है, उनका वेटेज, उनका इमोशंस वन साइडेड ज़्यादा रहता है, तो ये हो गया टू टेंस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड, या फिर बहुत ज़्यादा ढीला ढाला, कुछ उसमें वो एकदम डिसओरिएंटेड हो जाती है, एकदम इंडिफरेंट हो जाती है। तो या तो वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है या तो एकदम इंडिफरेंट हो जाती है। तो एक बैलेंस का हिसाब से वो लोग का प्यार नहीं चलता, या कहा जाए तो वो लोग का इमोशंस नहीं चलता, उनका दिल नहीं चलता। ये भी वुमेन की एक खासियत है कि वो ऐसा नहीं है कि वुमेन के पास लॉजिक या ब्रेन या बैलेंस करने का क्षमता नहीं है, वो लोग बिल्कुल ये सब क्षमता रखती है, लेकिन जब इमोशन का बात आ जाता है, दिल का बात आ जाता है, तब वो लोग का इमोशन हर चीज़ के ऊपर थोड़ा हावी पड़ ही जाता है। और क्योंकि हावी पड़ जाता है, इसीलिए वो लोग का नेचर भी ऐसा है कि अपने बारे नहीं सोच के वो दूसरे के बारे कर देती है। अगर वो लोग बैलेंस रखती, सोचती, इकोनॉमिकल होती, ठीक है, लॉजिकल होती, तो कितना उन लोग को मिल रहा उस हिसाब से वो लोग रिटर्न देती। ओके, आखिरी वाला, दे हियर इन एवरी विस्पर दैट स्पीक्स टू देम अ शाउट एंड अ क्राई एज लाइक एज नॉट व्हेन दे टेक लाइफ ओवर देयर डोर्सिल्स दे शुड लेट इट गो बाय। मतलब हर जो वो खुसफुसाहट सुनती है, धीरे धीरे बोला गया कोई आवाज़ सुनती है, उसमें भी उनको एक चीख सुनाई देता है, एक रोने का आवाज़ सुनाई देता है, एक पुकार सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है कि हर छोटा छोटा चीज़, ठीक है, जो हम लोग के नज़र में छोटा है या हम लोग के नज़र में लेस इम्पॉर्टेंट, लेस सिग्निफिकेंट है, वो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वुमेन कैसे, कितना भी मतलब लेस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो क्यों ना, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती है, उसको भी वो उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन से दे, मतलब हर चीज़ में डेडिकेशन उसका उतना ही होता है, चाहे कोई छोटा बात हो या चाहे कोई बड़ा बात हो। इसका एक और भी हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं कि दे आर वेरी 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 सेंसिटिव। कोई भी चीज़ का अगर अंदर आप अगर दो बात बोलो, ठीक है, और 20 बात अपने मन के अंदर रख लो, या अपने मन के अंदर आप काफ़ी सारे इमोशन छुपा के रखो और बस एक दो वर्ड बोलो, तो वो इंटरप्रेट कर लेगी, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ योर What should I say? Very analytical sense. Intuition उन लोगों काफ़ी अच्छा है, वो लोग इमोशन को काफ़ी बेहतर रीड कर सकती है। तो चाहे आप अंदर से चीखना चाह रहे हो या पुकारना चाह रहे हो या खुशी हो या दर्द आपके अंदर भरा हुआ, लेकिन आप भले मुँह से बोल नहीं रहे हो, आप चुपचाप हो, लेकिन वो भी वो रीड कर लेगी। This shows how meticulous they are, how careful they are, कितना वो आपके लिए concerned है, इसी से वो पता लगता है। कितना वो लोग इमोशनल सेंसिटिव है, ये भी उससे पता लगता है। और आखिर में जब वो लोग को क्या करना चाहिए, ज़िंदगी को डोर सिल के ऊपर ले जाना चाहिए। डोर सिल इन द सेंस आपका थ्रेशोल्ड, एक चौखट पे जब आ जाता है, ठीक है, जब वो लोग अपना ज़िंदगी को एक चौखट के ऊपर ला करके छोड़ देते हैं या चौखट के ऊपर रख देते हैं, मतलब ना तो वो इस पार कम्प्लीटली है, ना तो वो उस पार कम्प्लीटली है, ना वो अपने लिए फुल्ली आगे बढ़ करके कुछ कर पा रहे, बिकॉज ऑफ देयर फैमिलियल नीड्स, बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बॉन्डेज, सब चीज़, और ना तो वो कम्प्लीट अंदर घुसे रह पा रहे, क्योंकि अंदर रहने से वो लोग ट्रैप्ड हो जा रही है और ये भी उन लोग को पसंद नहीं। तो वो लोग हमेशा एक बॉर्डर लाइन में, एक चौखट में ही खड़े होके ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रह जाती है। हालांकि वो लोग को क्या करना चाहिए, वो लोग को छोड़ देना चाहिए, वो लोग को ज़िंदगी को ऐसे अपना ज़िंदगी को चौकट में नहीं रख करके उसको लेट गो करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए अपना हिसाब से। एक इसका दूसरा मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि वो ज़िंदगी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ज़िंदगी का मोस्ट ऑफ द वो लोग एडवांटेज नहीं लेते हैं, इसी उससे उनका जो पर्सनल पोटेंशियल रहता है ना, मान लीजिए कोई वुमेन है जो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा ड्रॉ करती है, बहुत अच्छा कुक करती है, या बहुत अच्छा लिखती है, पढ़ाती है, जो भी हो, जो भी उसका पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका फैमिलियल और सोसाइटल नीड पूरा करने का चक्कर में उस पर वो ध्यान नहीं दे पाती, तो उसको भी वो छोड़ देती है। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी को लेट गो करना हुआ, एक तरीके से अपना पोटेंशियल को लेट गो करना हुआ, तो इतना सब कुछ एक लड़की करती है। तो यहाँ पे ये पूरा पोएम का थ्रू एक लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मापा गया है और उनका खूबियों को बताया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। और ऐसा ही कोई भी पोएट्री, प्रोज,
ड्रामा नॉवेल या कोई भी चीज़ पे आपको अगर मदद कदर करो तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे।